अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली इफ्तखार और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल से तो आप सारे के सारे वाकिफ ही हैं मैथ लॉजिक से। आज मैं इस चैनल में एक नया मेंबर ऐड हुआ हूँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सेकंड ईयर का मैथ और सेकंड ईयर के मैथ में चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे और मैं इसके चैप्टर्स की एक्सरसाइज में से डिफरेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे सारे के सारे। साथ साथ हम जो क्वेश्चंस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे मैथमेटिक्स लॉजिक के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम साथ साथ सीखेंगे। तो हमारे पास आप जानते ही हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में स्टार्ट में एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी या क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए ताकि वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हों क्वेश्चंस करते वक्त। तो स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का और उस वो जो है इंट्रोडक्शन आपके लिए हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस करने में भी सारा का सारा। फिर हम जो है एक एक करके एक्सरसाइज के सारे पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम इसको प्लेन भी कहते हैं। अच्छा, फर्ज करें हमारे पास एक रियल लाइन है आर, रियल लाइन आर जिसे हम नंबर लाइन भी कहते हैं। इसके ऊपर नंबर स्टार्ट होते हैं सेंटर में 0, अगर मैं आगे ऑनवर्ड चलूँ 1, 2, 3 एंड सोन, -1, -2, -3 एंड सोन। अच्छा, हमारे पास ये एक नंबर लाइन आर है। अगर हम दो लाइंस लें, दो रियल लाइंस लें और दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये लाइन आर और ये दूसरी लाइन आर, और ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, 90 एंगल बना रही हैं। तो हम इससे बनने वाले इस सिस्टम को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे हम प्लेन भी कहते हैं। अच्छा, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और आज से ये हमारे पास दो लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को फिक्स कर देते हैं नाम आज से एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन का नाम आज से हम फिक्स कर देते हैं क्या, वाई एक्सिस। अच्छा, इस सिस्टम के ऊपर हम पहले नंबर्स ड्रॉ करते हैं सारे के सारे। अगर सपोज मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो हमारे पास सेंटर में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सोन, -1, -2, -3, -4 एंड सोन। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सोन, -1, -2, -3, -4 एंड सोन। ये सारे के सारे हमने नंबर्स ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये कि इस सिस्टम के अंदर हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप रियल लाइन को देखें तो रियल लाइन के ऊपर सपोज आपके पास इस लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली में ये एक नंबर है, एक नंबर कह लें, एक इंटीजर कह लें, और वो क्या है हमारे पास 2 है। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 है, ये इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इसके सेंटर में कोई पॉइंट ले लूं सपोज 2.5 है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जब हम किसी पॉइंट को लेते हैं, सपोज इस सिस्टम के अंदर हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसका नाम है सपोज पी, तो हम हमेशा इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्डर पेयर से। हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई। इस ऑर्डर पेयर के अंदर दो नंबर हैं, एक एक्स और एक वाई। इस एक्स को कहते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और इस वाई को हम लोग कहते हैं क्या, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के। तो जब भी हम इस प्लेन में, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पॉइंट एक एक्चुअली में ऑर्डर पेयर होगा। उस ऑर्डर पेयर में दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये रिप्रेजेंट करेगा इस एक्सिस के नंबर को, और ये वाई कोऑर्डिनेट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस के नंबर को। इस सिस्टम के अंदर 4 पार्ट हैं, इसके 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी इस पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सपोज अगर मेरे पास एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर एक पॉइंट है मेरे पास P 3.4 और मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ कि ये सिस्टम में कहाँ पर है,
तो देखें मैं इसको किस तरह ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट का हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर, इस एक्स एक्सिस के ऊपर हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 यहाँ पहुँच के। अच्छा, और अगर आप देखें वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 4 है, तो हम y एक्सिस के ऊपर चलेंगे और हमारे पास ये y एक्सिस है सारा का सारा, तो y एक्सिस के ऊपर ये 4 है और यहीं से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास पॉइंट है 3, 4। ये हम इस तरह से किसी भी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट पॉइंट को ढूंढ सकते हैं सिस्टम में वो कहाँ पर मौजूद है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के 4 पार्ट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी के अलोंग हम इसके जो है साइंस चेक करते हैं कि एक्स और वाई क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो चेक करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एक्स एक्सिस जो है इसके ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर है और ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स 0 से बड़ा है और वाई भी 0 से बड़ा है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप चेक करें तो एक्स सारा नेगेटिव नंबर्स हैं और वाई सारे के सारे रियल पॉजिटिव नंबर हैं। तो हम कह सकते हैं एक्स लेस देन 0 है एंड वाई ग्रेटर देन 0। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि एक्स सारे नेगेटिव हैं, वाई सारे नेगेटिव हैं, तो एक्स लेस देन 0 हैं और वाई सारे लेस देन 0 हैं सारे के सारे नंबर। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए इसी तरह से, तो एक्स सारे के सारे पॉजिटिव हैं और वाई सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में हमने नंबर्स के साइन चेक किए। हम ये नंबर्स को, एक केस हमारे पास ये है कि हम इस सिस्टम में ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि जैसे ये एक पॉइंट था, इसमें 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट थे और दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव थे, तो हम वैसे भी जज कर सकते हैं कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। सपोज अगर मेरे पास एक पॉइंट है क्यू -3, -2, इसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, यानी ये वाला पॉइंट क्यू जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो ये हमारे पास सारा का सारा सिस्टम है जिसके अंदर हम पॉइंट्स को, ये मैंने भी आपको ये सारा सिखाया कि हम इस सिस्टम के अंदर पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये स्टार्ट करने लगे हैं, इस चैप्टर का नाम भी यही है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन हम डिफरेंट शेप्स की स्टडी करेंगे और जिन शेप्स की हम स्टडी करेंगे वो शेप्स इस प्लेन में हम ड्रॉ करेंगे। इन प्लेन्स में जो पॉइंट्स मौजूद हैं उन पॉइंट्स को कंबाइन करके हम ज्योमेट्री यानी प्लेन्स के अंदर शेप्स को ड्रॉ करेंगे और उन शेप्स की हम स्टडी करने लगे हैं सारी की सारी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हमारे पास जो है डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस किसके ऊपर, रियल लाइन के ऊपर। हमारे पास ये एक रियल लाइन है, 0, 1, 2, -1, -2, -3। अच्छा, अगर हमने इस रियल लाइन के ऊपर हम दो पॉइंट्स ले, हमने से एक पॉइंट ए लिया 2 और दूसरा पॉइंट हमने लिया बी से -1, और हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि अगर हम ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस पॉइंट ए में से इस पॉइंट बी को माइनस करके इसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं। तो चेक करते हैं हमारे पास जो है आंसर आ रहा है 3 और 3 एब्सोल्यूट 3। हमारे पास ये दो पॉइंट्स के दरमियान क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया रियल लाइन आर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम में हमने बताया कि जो पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक ऑर्डर पेयर होता है। लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है इस सिस्टम के अंदर, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें हमारे पास लेट्स से एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और एक पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। से अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कंबाइन करूं तो मैं ये चाहता हूं कि इस पी और इस क्यू के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड किया जाए ये कितना है। जैसे हमने एक रियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस फाइंड करना देखा किस तरह से था कि हम अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट को माइनस कर लेते हैं और उसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस का जवाब आ जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फार्मूला है, तो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है पी और क्यू के दरमियान में वो क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। मैंने स्केयर रूट के ऊपर पॉजिटिव साइन लिया क्योंकि नॉर्मली हम जो डिस्टेंसेस लेते हैं वो सारे पॉजिटिव साइंस के साथ लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने का।
हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, प्रूफ मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है प्रूफ, क्योंकि पेपर में हमारे पास सेकेंड ईयर के पेपर में हमारे पास इसके प्रूफ नहीं आएंगे। तो हम इसको सिर्फ यूज़ करना सीखेंगे और इसकी हेल्प से एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चन करना सीखेंगे ज्योमेट्री के। तो हमारे पास ये फार्मूला है, लेकिन एक चीज़ हम याद रख सकते हैं इस फार्मूले के अंदर क्या, इस फार्मूले में एक चीज़ हम ये याद रख सकते हैं। नॉर्मली हम इसको ऐसा याद करते हैं कि जी ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो हमने सेकंड पॉइंट के एक्स टू में से फर्स्ट पॉइंट का एक्स वन माइनस करके उसका स्केयर लेना है, प्लस फिर वाई टू में से वाई वन माइनस करके इसका स्केयर लेना है और उसका स्केयर लेना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्स टू में से एक्स वन माइनस कर रहे हैं या एक्स वन में से एक्स टू माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वेयर है। तो स्क्वायर जो है वो चाहे नेगेटिव का लें चाहे पॉजिटिव का लें, उसने तो दोबारा पॉजिटिव ही हो जाना है। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कोऑर्डिनेट हमने पहले लेना है। इसको दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ, देखें किस तरह। अगर फ़र्ज़ करें इसी फार्मूले में इस एक्स टू माइनस एक्स वन में से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लेने से हमारे पास ये एक्स वन पहले आ गया क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव हो गया, और एक्स टू बाद में चला गया क्योंकि इसका साइन नेगेटिव हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ है हमारे पास। प्लस अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ वाई वन माइनस वाई टू और इसके ऊपर स्केयर का स्केयर रूट, और अगर आप चेक करें एक्स वन माइनस एक्स टू के बाहर नेगेटिव साइन है और ऊपर इसके स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस नेगेटिव साइन को क्या कर देगा, दोबारा पॉजिटिव कर देगा। तो ये फार्मूला बन गया एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर, या ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस एक्स टू का स्केयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्केयर का स्केयर रूट। तो ये दोनों केसेस में आपको सेम ही आंसर देगा, यानी ये हमारे पास दो पॉइंट में इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करने का क्या है, फार्मूला। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और इस फार्मूले को यूज़ करके एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स से हमारे पास जो है वो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है 2, 3 और एक पॉइंट Q है 4, 5। हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, तो हम P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। आप ये कर सकते हैं कि आप इस फर्स्ट पॉइंट को कह लें कि ये x1 y1 पॉइंट है और ये जो सेकंड पॉइंट है ये x2 y2 पॉइंट। हम इसके ऊपर ये फार्मूला यूज़ करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 3 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 4 प्लस 4 और ये हमारे पास आंसर आ गया 8 का स्केयर रूट। तो ये हमारे पास P और Q के दरमियान डिस्टेंस का आंसर आ गया। चाहे तो आप 8 के स्केयर रूट को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं 2 स्केयर रूट 2। तो ये हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस आ गया।